सीधी जिले के दो बड़ी कार्रवाई पर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का बयान आया सामने। लगातार चेकिंग चुनाव तक रहेगी जारी। सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जब से आचार संहिता लगी है, हमारे यहाँ चारों विधानसभाओं में तीन तीन स्टैटिक सर्विलेंस टीम काम कर रही है, जिसमें 12 नाके काम कर रहे हैं, जिसमें कल रात को टिकरी नाका में स्टैटिक सर्विलेंस टीम को एक वाहन को चेक करने में उसमें करीब 12.25 लाख रुपए नकद मिले हैं, और आज मोहनिया घाटी में हमारी चेकिंग टीम को लगभग 17 किलो चांदी मिला है। हम लगातार चुनाव में चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अवैध क्या निकल के अब तक सामने आया है, राजनीतिक पार्टी हैं के लोग हैं या व्यापारी हैं, इसकी तस्दीक है तो जो संबंधित कमेटी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जो यहाँ रुके हुए हैं उनके हैंडओवर कर दिया गया है, और वो सारे चीज़ का परीक्षण कर अग्रिम निर्णय लेंगे। पोल होल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर